Good morning friends, welcome to our YouTube channel Stars Academy. आज हम लोग GS के एक नए टॉपिक पे बात करेंगे. वैसे तो हम लोग जानते हैं कि SSC में GS बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो, CPOM, TSO, SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें GS पूछी जाती है एंड मैक्सिमम नंबर की वेटेज भी रखती है प्री में. लेकिन जो GS का सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट क्वांटिटी में होता है, इसीलिए हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को तैयार किया है आपके लिए और आज हम वही लेके आए हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिज़िक्स से. फिज़िक्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेजरमेंट एंड यूनिट्स. अब मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स में हमें पढ़ना क्या है, हमें बहुत डीपली स्टडी कुछ भी नहीं करना है, हम बस उतना देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि अगर हम पढ़ने में बैठे तो पढ़ने के तो बहुत कुछ है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. फिज़िकल क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं? फिज़िकल क्वांटिटी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या पर्टिकुलर किसी चीज़ का हमें मेजरमेंट बताती है. मेजरमेंट बताती है उसकी यूनिट्स के साथ कि वो कितनी क्वांटिटी में है, कितना है, क्या है. अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये दो तरह की फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं. एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर. स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. जैसे कि अगर हम बात करें किसी के चीज़ की वेट की, अगर हम किसी चीज़ के वेट की बात करें तो हम ये नहीं बता सकते कि उसका वेट कोई डायरेक्शन में है या क्या है, सिर्फ वेट बता सकते हैं कि इतना केजी इसका वेट है, इस चीज़ का वेट इतना केजी है. उसी तरह हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. जैसे कि सेम बात करें तो मास की, वेलोसिटी और ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं वेक्टर क्वांटिटी की. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें याद रखने वाली है वो ये है कि स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रियली इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहली क्वांटिटी आ जाती है वर्क. वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल. वर्क हम किस में मेजर करते हैं, जूल में. हीट की जो SI यूनिट होती है वो जूल और कैलोरी होती है. पावर की SI यूनिट होती है वॉट, हॉर्स पावर. एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि 1 horsepower इज़ इक्वल टू कितना वॉट, तो हम कितना वॉट होता है, 1 horsepower इज इक्वल टू 746 kW. अब प्रेशर की जो SI यूनिट होती है वो पास्कल, जब भी हम प्रेशर को मेजर करते हैं तो पास्कल में मेजर करते हैं. हमें सिर्फ उसकी यूनिट्स याद रखनी है, वो ये चीज़ें याद रखनी है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक्स में से मिनिमम 1 question ही आता है एग्ज़ाम में, बट आता कंपल्शन है. अगर हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो हमारे लिए हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. बस हमें समझना ये है कि हमें कहाँ से और कितना पढ़ना है. अब हम बात करते हैं फोर्स, नेक्स्ट फिज़िकल क्वांटिटी की. तो नेक्स्ट फिज़िकल क्वांटिटी है फोर्स. फोर्स इज़ मेजर्ड इन न्यूटन. फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं. अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि फोर्स की SI यूनिट कौन सी है, तो न्यूटन. एंड फोर्स की CGS सिस्टम में कौन सी यूनिट है, तो डाइन. फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज. साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल. अब हम बात करते हैं साउंड की इंटेंसिटी की. अगर साउंड की इंटेंसिटी 45 डेसिबल है या उससे बाई चांस कम भी है तो भी वो हमारे ईयर्स के लिए सही है, हमारे के लिए सुनने के लिए सही है. और अगर इससे बढ़ती जाएगी तो हमारे कान के लिए क्या होती जाएगी, पेनफुल. हमारे ईयर्स के लिए वो पेनफुल हो जाएगी. एंड इफ़ इट इज़ रीचेज 85 decibel, अगर वो जो इंटेंसिटी है साउंड की 85 decibel के आसपास अराउंड हो जाएगी तो वो हमारे ईयर्स को डैमेज कर सकती है, हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकती है.
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की. तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ मेजर्ड इन एम्पियर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम. ये तीन ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हम बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं और हमें लगभग याद हो जाती हैं. अब ल्यूमिनस फ्लक्स और ल्यूमिनस इंटेंसिटी देख लेते हैं. ल्यूमिनस फ्लक्स इज़ मेजर्ड इन ल्यूमेन. ल्यूमिनस फ्लक्स होता क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स जब किसी बल्ब से, मान लीजिए ये बल्ब है, इसे लाइट, जो टोटल लाइट इमिट हो रही है, इसे हम इसकी ल्यूमिनस फ्लक्स कहेंगे. जो भी लाइट, टोटल लाइट ये इमिट कर रहा है वन सेकेंड में, उसे हम उसका ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं. और जब ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी लाइट इमिट करता है, उसे हम उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहेंगे. ल्यूमिनस फ्लक्स इज मेजर्ड इन ल्यूमेन एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन कैंडेला. ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की विथ हम लोग मेजर्ड करते हैं डॉप्सन में, दैट इज़ डी यू. ओजोन लेयर इज़ मेजर्ड इन डॉप्सन, दैट इज़ डी यू. मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में होता है एंड ल्यूमिनस फ्लक्स ल्यूमेन में. दो चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान रखनी पड़ेगी. मैग्नेटिक डेंसिटी दैट इज़ इन टेस्ला. अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो ज़्यादातर एसएससी में आया है, दैट इज़ अबाउट डिस्टेंस. वैसे तो डिस्टेंस हम लोग हमेशा मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, बट डिस्टेंस की तीन इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं. सबसे पहली यूनिट है लाइट ईयर. लाइट ईयर, लाइट ईयर होता क्या? व्हाट इज़ लाइट ईयर? लाइट ईयर जब वैक्यूम में, जब वैक्यूम में वन एयर में जितनी लाइट जो है वो ट्रेवल करती है, ट्रेवल करती है क्या चीज़? लाइट. उसे हम लोग किसमें मेजर करते हैं? दैट इज़ कॉल्ड, दैट इज़ मेजर्ड इन लाइट ईयर. उसे हम लाइट ईयर कह भी सकते हैं या लाइट ईयर में मेजर करते हैं. जो वैक्यूम में लाइट, एक ईयर में जितनी लाइट ट्रेवल करती है उसे. अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की. जो सूरज की, जो सन की जो पोजीशन है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन जो अर्थ है वो उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है. तो जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, कभी कहीं पे छोटी और कहीं पे बड़ी हो जाती. इसीलिए जो एवरेज डिस्टेंस होती है किसके बीच में? सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, एवरेज डिस्टेंस होती है, उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं. अब पार्सेक, पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट है किसकी? डिस्टेंस की. डिस्टेंस की पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट है. वन पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर. यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि लाइट की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, दैट इज़ पार्सेक. सॉरी, डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, दैट इज़ पार्सेक. एंड वन पार्सेक इज इक्वल टू 3.6 लाइट ईयर. गाइज, हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. हम आपके लिए और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड एसएससी की वीडियोस लाएंगे ताकि आप एसएससी के एग्ज़ाम को बीट कर पाएँ. और हमें फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.